हेलो दोस्तों आज के लेसन में हम एक कोरियन कॉन्वर्सेशन सीखेंगे क्रिएट करना ओके सो इट विल बी अ बेसिक कोरियन कॉन्वर्सेशन जिसमें दो लोग बात कर रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग इन द इवनिंग टुगेदर ओके सो बेसिकली इट्स लाइक आस्किंग समवन किसी से आप कुछ पूछ रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ एंड देन यू प्लान समथिंग के साथ में ये करते हैं सो दैट इज द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन ये ऑलरेडी लिख रखा है तो आप देखेंगे सुमिन और अनु ये दो uh, लोग हैं जो बात कर रहे हैं यहाँ पे और एक बार इंग्लिश का कन्वर्सेशन सिंपली देखते हैं हम हाई सुमिन हाई वॉट आर यू डूइंग नाउ बिजी नो आई एम जस्ट वॉचिंग सम ड्रामा वाई आई वॉज जस्ट फीलिंग बोर्ड शैल बी गो टू खांगनम इन द इवनिंग ओके लेट्स गो एट वॉट टाइम एनी टाइम इज़ फाइन विद मी यू डिसाइड लेट्स गो एट सेक्स कूल आई विल मीट यू इन फ्रंट ऑफ द हॉस्टल देन ओके सी यू देन ओके सो ये एक ऐसा कॉन्वर्सेशन है जो कि बहुत ही कॉमन है मतलब ये जनरली हमेशा हम लोग करते रहते हैं कि कन्वर्सेशन किसी से कि क्या कर रहे हो कहाँ चलना है यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं तो इसको हम देखते हैं कि जितना हमें ग्रामर आता है ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी उसका यूज़ करके हम कैसे इस कॉन्वर्सेशन कोरियन में ही हम फ्रेम कर सकते हैं ठीक है तो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले हाय कैसे बोलेंगे कुरियन में सिंपल आन्योंग हासे या फ्रेंड हैं तो सिंपल अन्योंग भी बोल सकते हैं अन्योंग सुमिन या अन्योंग हासे सुमिन शी या अन्योंग हासे सुमिन कुछ भी चलेगा डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या कैसा रिलेशन है उस पर्सन से बट यहाँ हम आनियोग हासे लेके चलेंगे फॉर्मल तरीके से अन्योंग हासे सुमिन तो सुमिन भी बोलेगी अन्यंग हाँ Then how can we ask this? What are you doing now? Doing के लिए क्या word use करते हैं में हम? है तो इसको हम tense में use करेंगे तो कैसे बोल सकते हैं पहले तो what are you doing? तो what के लिए क्या word use करते हैं मोसिल है, है या इसको शॉर्ट में बोलना हो अगर तो हम ये बोल सकते हैं मोल है या मुँह भी बोल सकते हैं और हेयो की जगह हम हासे भी लगा सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट हो जाता है हासे हो मुँ और मैं कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली बोला जाता है मुँह हासे या फिर मोहे हो कंपेयर टू दीज टू ये सबसे ज़्यादा कॉमनली बोलते हैं लोग मुँह हासे हो मोहे हो लेकिन यहाँ पर बोल रहा है नाव तो नाव के लिए वर्ड होता है छिगम 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 मोहा से हो छिगम मोह बिजी बिजी के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम फापदा सो पापदा को बनाएंगे प्रेजेंट में तो हो जाएगा फाप्पाय पप अगर पूछना है कि अभी बिजी हैं क्या तो छिगम फाप्पाय छिगम पप्पाओ या अगर थोड़ा सा और पोलाइट बोलना है तो चिगम पाप से हो पाप से तो उसने बोला छिगम मोहा से हो मोहे हो से हो पायो तो अब सुमिन कैसे रिप्लाई करेगी उसको उसे बोलना है नो आनियो आनियो वॉचिंग ड्रामा आई एम वॉचिंग ड्रामा कैसे बोलेंगे जब भी आप इस तरह के कन्वर्सेशन बनाते हैं शुरू शुरू में आपको नहीं ज्यादा डिटेल्स पता है लैंग्वेज में कैसे न्यूएंसेस काम करते हैं तो पहले जो मेन फ्रेज है ना उसको बनाने की कोशिश कीजिए मेन फ्रेज क्या है यहां पे? वॉचिंग ड्रामा आई एम वॉचिंग ड्रामा ये यहाँ पे मेन पॉइंट है क्रक्स है उसका सेंटेंस का बाकी जो ये छोटे छोटे वो डिटेल्स हैं जस्ट सम ये सब बाद में लगाने की कोशिश कीजिए ये सब उस लैंग्वेज को थोड़ा सा नेचुरल बनाने के लिए एक्स्ट्रा चीजें हैं इसके ना होने से और होने से कोई बहुत चेंज नहीं आ जाएगा मीनिंग में तो पहले मेन हमारा क्या है द्राम अगर कोई चीज़ आप अभी कर रहे हैं उस पर फोकस करना है कि आई एम डूइंग इट राइट नाउ तो हम उसके लिए यूज करते हैं एक पैटर्न फोगो ईसो मतलब जो रूट है रूट हमारा है फो इसमें हम लगाएंगे गो ईसो फायो भी चलेगा लेकिन यहाँ पर फोकस थोड़ा सा है इस पर तो फोगो इस ज्यादा करेक्ट होगा उसमें फायो की तुलना तो में तो ड्रामा रल फोगो ईस सो अब इसमें थोड़ा सा लगाना है हाँ आपको ये कि जस्ट सम कुछ भी एक ड्रामा देख रहे हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कोरियन में खिन्यांग खुनयांग मतलब जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अरे ऐसे ही बस ड्रामा देख रहा हूँ ऐसे ही बस ड्रामा देख रहे हैं तो खुन्यांग का मतलब होता है जस्ट जस्ट वॉचिंग सम ड्रामा आनियो खुन्यांग ड्रामा रिल्प हो गई इससे उसने पूछा वाई वाई को कैसे बोलेंगे कोरियन में वे ओ तो अब अनु ने कहा कि आई वॉज जस्ट फीलिंग बोर्ड अब बोर फील करना के लिए क्या वर्ड होता है कोरियन में उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शिम शिम हादा शिमशिम हाथा तो अभी बुक करने तो कैसे बोलेंगे शिमशिम है शिमशिम है या शिमशिम भी बोल सकते हैं पास में बोलना हो तो शिमशिम हेस् लेकिन यहाँ पर बोलने में इसने बोला आई वॉज बट बट एक्चुअली में शी इज स्टिल फीलिंग बोड राइट तो शिमशिम हेयो भी चलेगा शिमशिम हेस् भी चलेगा तो वहाँ पर वो क्या बोलेगी ये भी इसने भी जस्ट वर्ड यूज़ किया है कि ऐसे ही बस बोर फील हो रहा था तो उसमें ये भी खन्यांक का यूज़ कर सकती है यहाँ पे खन्यांग शिमश में सो खन्या शिमश में हो आई एम बोर्ड शैल बी गो टू गंगनम इन द इवनिंग ये हमने पढ़ा है है ना ये हमने पढ़ा है कि इसमें हम जब प्रपोज कुछ करते हैं इस तरह से कि कहीं करें चलें क्या कहीं जाएँ क्या या कहीं कुछ करें क्या तो उसमें इल कायो पैटर्न हम लगाते हैं तो यहाँ पर वर्ड क्या है टू गो खादा सो खाल कायो होगा है ना तो कहाँ जाना है कांगनाम तो कांगनाम ए ए नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा क्योंकि स्पोकन है तो यहां पर पार्टिकल पे उतना फोकस नहीं रहता है कांगनाम नो तो ये क्या हुआ शैल बी गो टू कांगनाम यह हमने मेन पार्ट बनाया अब हम इसमें डिटेल्स लगाएंगे कि आज शाम में है ना तो आज के लिए हम ऊनल बोल सकते हैं ऊनल का मतलब टुडे होता है और शाम के लिए छौन्योग ऊनल छौन्योग कांगना में खालकायो या ओनल न भी लगा तो चलेगा छन्योगे कांगना में खालकायो छन्योगे टेक्निकली सेंटेंस ये वाला करेक्ट है छन्योगे कांगना में खालकायो shall we go to gangnam in the evening तो अब सुमिन का क्या रिस्पोंस है खुरे हो क्यूरेओ हो बोल देंगे वो सबसे कॉमनली यही होता है सोच करके खिर हो मतलब ओके ठीक है हो लेट्स को लेट्स को कैसे बोलेंगे खापशिदा खरेओ की जगह और क्या बोल सकते थे यहाँ पे ओके बहुत कॉमनली बोलते हैं कोरियन में ओके ओके ओके, ओके, ओके खापशीदा खापशीदा एट व्हाट टाइम एट व्हाट टाइम वो कैसे बोलेंगे म्योत म्योत मतलब कितने बजे ये पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली exactly. म्योत शिय म्योत शी खालकायो म्योत शी खालकायो अगर सिर्फ बोलना है कब तो कैसे बोलेंगे म्योत शीए की जगह उनजे अंजे का मतलब वैन ऑंजे खलका यो म्योत शी और यहाँ पे फिर हो ओके इसकी जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं हम जब भी किसी से आप एग्री हो रहे हैं तो वहाँ पर ये 할수있 좋아요. 오케이. 그래요. 이부다 मतलब है कि ओके, ठ 지금 뭐 해요? 바쁘세요? 바빠요? 아니요. 그냥 드라마를 보고 있어요. 왜요? 그냥 심심했어요. 그냥 심심해요. 오늘 저녁에 강남에 갈까요? 음, 오케이. 그래요. 갑시다. 몇 시에 갈까요? अब इसके बाद क्या होगा रिस्पॉन्स अनु का उसने बोला एनी टाइम इज फाइन विद मी मतलब मैं फ्री हूँ मेरे लिए कुछ समय सब ओके है आप डिसाइड करो यू डिसाइड तो कैसे बोलेंगे जब भी आपको बोलना हो इस तरह से कुछ कि सब ठीक है मेरे लिए एवरी थिंग इज ओके ठीक है तो उसके लिए सबसे कॉमन वर्ड है खिनछा नायो खिनछा खे, भी चलता है लेकिन यहाँ पे मेन जो पार्ट है वो है एनी टाइम एनी टाइम के लिए हम वर्ड यहां पे यूज करेंगे ऑनजे दिन जी इसको आप रट लीजिए बस ऑनजे जी का मतलब वेन एवर एनी टाइम ओके कभी भी किसी भी समय ऑन जे दंजी घिनछन आयो या ऑनजे दिन जी छो आयो कभी भी मेरे लिए सही है कभी भी ठीक है कभी भी ओके है ऑनजे दिन जी खन आयो ऑनजे जी छो आयो डिसाइड अब डिसाइड के लिए वर्ड क्या बोलते हैं हम दो वर्ड यहाँ पे. वर्ड मेन तो ये है आपका फॉर्मुला लेकिन कई बार सिर्फ सिंपल छौघाधा भी बोल देते हैं छोंगहा चौंग खोल चौंगहा चौंग तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सुमी आप चौंगाधा कीजिए मतलब सुमिन सुमिन नाम है ना हाँ सुमिन. सुमिन सुमिनशी यो या छोंगहा आप डिसाइड कीजिए कोरियन में अक्सर हम सामने वाले को नाम लेके एड्रेस करते हैं थर्ड पर्सन की तरह कॉमन नहीं है तो सुमिन ने कहा लेट्स गो एट सिक्स लेट्स गो एट सिक्स है सिक्स को क्या बोलते हैं उसमें नंबर सिस्टम में नेटिव नंबर सिस्टम में तो यौसत शी टाइम पार्टिकल लग जाएगा यौसत शी चलते हैं कैसे बोलेंगे खापशिदा यौसत शी ए खापशिदा यौसत शी खापशिदा या यौसत शी खायो ये भी बोल सकते हैं लेट्स गो एट सिक्स तो अब अनु ने बोला कूल cool, कूल cool, क्या है सिंपल छो ठीक है अच्छा है आई विल मीट यू इन फ्रंट ऑफ द हॉस्टल देन मीट यू के लिए अब मैंने वर्ड बताया था आपको मानना दा मानना दा मतलब मिलना लेकिन कॉमनली यूज करते हैं फोदा भी दोनों वर्ड यूज होते हैं फोदा मतलब होता है टू सी वैसे लेकिन मिलना भी इसका मतलब होता है इंग्लिश में भी तो ये करते हैं ना सी यू सी यू मीट यू एक की बात हो गई वहां पे. तो कैसे बोलेंगे खुरोम खुरोम का मतलब होता है देन देन ओके खुरम यौसत शि छह बजे कहां पर खिसुक्सा का मतलब होता है हॉस्टल खिसुकसा खिसुक्सा के सामने सामने के लिए बड़े यूज करते हैं आपे खुरम यौसत शि खिसा आप, आप मानना या भायो. ठीक है सिंपल 그럼 योसुक साफ फे आप फे सौ एगे आप ए सौ ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे काम हो रहा है कुछ एक्शन हो रहा है इसलिए ए सो रहेगा आप फे सौ माननायो फाय ठीक है उसके बाद इसने बोला ओके सी यू देन सी यू सी यू अगेन सी यू लेटर उसके लिए थोड़ी देर बाद में मिलते हैं इस सेंस में हम यूज करते हैं यहाँ पे इतागा या इत्ता दोनों चलेगा इतागा भी चलेगा इता भी चलेगा तो अक्सर बोलते हैं इत्ता पाओ सी यू आफ्टर सम टाइम इत्ता पाया इतना का मानना हो ठीक है तो उसने बोला कि ओके फ्रॉम इत्ता पाया उसने बोला लास्ट में ओके कोरियन लोग अगर आप ड्रामा वगैरह देखते हैं तो अब अक्सर देखते हो फोन कटते समय में कट करते समय में लास्ट में वो कई बार न, 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 बोलते हैं वो ये कॉमन है वहाँ पे सुन हमें थोड़ा अजीब लगता है लेकिन अब आज पड़ गई है फ़ोन जब भी कट करते हैं तो लास्ट में दोनों ओर से होगा वो कि ओके ख्रमकनो कनो मतलब होता है हैंग अप करना मतलब फोन अब रखो रख रहा हूँ जो भी इस तरह से ओके खरम कनो ऐसे ये चलेगा बैक एंड फोर्थ एक दो बार तीन बार फिर कट करेंगे फ़ोन पर डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि ठीक है जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल शार्प ओके ठीक है बाय कट कर दिया यहाँ पे तो थोड़ा सा पोलाइट मना जाता है थोड़ा सा ये न, न, करके करना ठीक है तो ये हमारा कॉन्वर्सेशन है एक बार क्विकली मैं इसको फिर से कर देता हूँ बोलता हूँ मैं तो आपका भी यही करना चाहिए एक बार कन्वर्सेशन पहले लिखिए उसको कोरियन में लिखिए समझ करके और फिर उसको एक दो बार नेचुरल टोन में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए अगर पॉसिबल हो तो याद भी कर सकते हैं उसको मेमोराइज कर सकते हैं अन्यंग हसे सुमिनय हसे हो चिगम मोहे हो छिगम मो हजे हो पापा अनियो खनियमरल फोगो इसमशी में हो 저녁에 강남에 갈까요? 음... 그래요. 갑시다. 몇 시에 갈까요? 저는 언제든지 괜찮아요. 저는 언제든지 좋아요. 수민 씨 결정하세요. 음... 그럼 6시에 갑시다. 좋아요. 그럼 6시에 기숙사 앞에서 만나요. 오케이. क्रमितता का हम्म, hmm. that's it. ओके सो आई होप कि ये आपके लिए थोड़ा यूजफुल रहा होगा तो जितने भी इस तरह से हम पैटर्न सीख रहे हैं उनको यूज़ करके आप इस तरह की कन्वर्सेशंस बनाने की कोशिश कीजिए उसकी प्रैक्टिस कीजिए ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन